नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूँ सुमेधा। आज की डेली राउंडअप के इस एपिसोड पर हम चर्चा करने वाले हैं देश और विदेश की बड़ी खबरों की ओर, पर सबसे पहले एक झलक हमारी मुख्य खबरों पर। एक सबसे बड़ी खबर जो आज देश की बनती जा रही है वो ये है कि UIDAI, जो कि हमारी आधार की रिपोजिटरी है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक FIR दर्ज किया है IT ग्रिड्स नामक एक कंपनी के खिलाफ। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 7.8 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश के, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, उनका जो डेटा है वो लीक करा गया है और वो IT ग्रिड्स के पास था। IT ग्रिड्स एक ऐसी कंपनी है जो TDP की एक कैंपेन को मैनेज कर रही थी और उनकी ऑनलाइन ऐप सेवा मित्रा के प्रमोशन में जुड़ी हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ा चर्चा का सवाल बन चुका है। हमने एक खास चर्चा की है इसी विषय पर और किस तरह से इस डेटा का मिसयूज हो सकता है, इलेक्शन सीजन में इसका क्या महत्व रहने वाला है। आइए देखते हैं इस चर्चा की ओर। We're discussing a huge story that is being brewing since the past 2 days. About 7.8 crore Aadhaar data has actually been found in an IT raid at the company called IT Grids in Telangana. And an FIR has also been registered against that company. And this is a huge amount of data that we're looking at, which has been found. And it is a huge cause of concern as well. So today we're going to break down what this really means and what is the news story all about. And to give us a lowdown, we're starting with Prabir. My first question to you is, what is the kind of source of data? And first of all, explain to us what has exactly happened and where and how was this data found? Well, what has actually happened, you'll have to ask the IT credit directors for that. But leaving that out, we can look at what the complaints are and what the police is saying. So the police is saying that from looking at the IT grids documents and data that they hold, that they have data which is sensitive. What UIDAI has always said is completely safe data, the data of the citizens, the Aadhaar database, but it does not talk about the biometric data. So we do not know whether the biometric data has also been accessed, which is supposed to be behind 15-foot walls or 18-foot walls, whether they have been accessed. But it's clear that 7.8 crores of data, which is held in Aadhaar database about us, has been accessed and is available to IT grids. The police go a step further. They are saying that two states we know, that data is held by IT grids, but it's possible they hold also other states' data with them. So this is a huge data breach, as you have talked about, which has already been public for the last 2 days, in which UIDAI admits officially that 7.8 crores of data items, records, have been stolen from the depository. इसी बड़ी खबर के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर दूसरे फेज के चुनाव 18 अप्रैल को होने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं एक टोंक जिले की ऐसी कहानी जहां पर 37 गांव इस साल इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी है। इस चेतावनी की क्या वजह है ये हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू दिखाएंगे, पर उससे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि टोंक के जो 37 गांव हैं वहां पर एक डैम कंस्ट्रक्शन की चर्चा हो रही है। वो डैम सरदा डैम के नाम से जाना जा रहा है और उस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से इन 37 गांव में और उनके साथ जुड़े हुए परिवारों की जो लाइफ है उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब ये डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वहाँ पर फ्लडिंग की संभावना है और कॉम्पेंसेशन को लेकर प्रशासन उनके साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है। आइए देखिए टोंक से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इससे, इस डैम के कंस्ट्रक्शन से नो डाउट ये जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है, इस शॉर्टेज को
एड्रेस किया जाएगा, ये सब कहते हैं, ये एक्सपर्ट भी मानते हैं, गवर्नमेंट भी क्लेम करती है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी क्लेम करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमेशा देखने में आता है कि हर काम के पीछे उसके अपने हैजर्ड होते हैं, यहाँ पे भी वो हैजर्ड है। चूँकि ये जो डैम बन रहा है, इसका एक प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको बहुत हद तक बना लिया गया है, इसको कंक्रीट स्लैब डाल के और ऊंचा किया जाएगा ताकि पानी को रोका जा सके। लेकिन आप इस डैम के दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन, जैसा मुझे बताया गया है, 37 विलेजेस हैं, 37 गाँव हैं, 37 गाँव के लोग इससे अफेक्टेड होंगे। हमने बड़ी मेहनत से हमारे मकान बनाए हैं, इन मकान को छोड़ के जाएंगे तो मकान के बदले मकान देंगे या नहीं देंगे सरकार हमें, और कौन सी जगह देंगी इसका भी हमें कोई पता नहीं है, कितनी रेट देंगी, DLC रेट की कितनी गुना मिलेगी ये भी हमें कोई पता नहीं है, सिंचित और बारानी की क्या क्या रेट है वह भी हमें कोई पता नहीं है। 2011 जो DLC रेट थी उसी के तर्ज पर हमें मुआवजा दिया जा रहा है। एक BJP कांग्रेस दोनों को वोट नहीं देंगे हम, 38 गांव है इसी श्रद्धा डैम में डूबने वाले, एक को भी वोट नहीं देंगे। इसके बारे में हम प्रचार भी करेंगे कि हमारे कोई नेता कांग्रेस सुनती है ना BJP सुनती है, तो हमारे को या तो वोट देना नहीं है, अगर देंगे तो हम नोटों में देंगे ताकि हमारे कोई नहीं सुनता है तो सरकार से क्या मतलब है अपने को। ये हमारा जमीन के साथ जमीन चाहिए, कुआ का कितना मुआवजा देगा, जमीन का कितना मुआवजा देगा, पेड़ पौधों का कितना देगा, बोरिंग लग रहा है कुआ उसका पैसा लग गया हमारा उसका कितना देगा, ये हमारे कोई पता ही नहीं है साहब। और यह कहते हैं कि साहब खाता वो आधार कार्ड दे दो, तुम्हारे खाता में बैंक डायरी का नंबर दे दो, खाता में पैसे डाल देंगे साहब। हमारा यह तो पता हो ना देना कितना है। डेली राउंडअप पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चुनावी हिंसा की बड़ी खबरें। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं त्रिपुरा पर। 11 तारीख को त्रिपुरा में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस के लिए वोटिंग की गई थी और ये वोटिंग एक सीट के ऊपर हुई थी, पर इसी पोलिंग के चलते हुए CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के काफ़ी कार्यकर्ताओं को पोल बूथ्स को एक्सेस नहीं करने दिया गया और हिंसा के भी कई वाक्य उनके खिलाफ उभर कर सामने आए हैं। आज दिल्ली में इसी वायलेंस को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है उसको आयोजित किया गया था और इलेक्शन कमीशन को भी एक मेमोरेंडम थमाया गया है पार्टी द्वारा कि उन्हें सिक्योरिटी और वर्कर्स की सिक्योरिटी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और जो अगला फेज है चुनाव का 18 तारीख को उसमें इन सब तरह की हिंसा के जो उदाहरण हमारे सामने हैं वो नहीं आने चाहिए। एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में आज हुआ, आइए देखते हैं उस प्रदर्शन की एक झलक। केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार वहां पे त्रिपुरा में भाजपा, दोनों की मिलीभगत के चलते हुए केंद्रीय फोर्स जो भी आया वहां पे उनको तैनाती नहीं करने दिया और उनको अपने अपने बैरक्स में बिठा के रखे ताकि वो बाहर आकर सुरक्षा ना दे लोगों को। और किस तरीके से किया गया, एक वैज्ञानिक तरीके से। पहले जो विपक्षी पार्टियों के, खासतौर से अपने पार्टी के पोलिंग एजेंट है, उनको अंदर आने ही नहीं दिया पोलिंग बूथ, जो लड़कर अंदर चले गए, एक घंटे के बाद उनको मारकर वहां से पोलिंग बूथ से भगा दी। उसके बाद लाइन में जो लोग खड़े थे वहां के अंदर जाके चुन चुन के वो बता रहे थे कि कौन वोट डालेगा उनको, कौन उनके विरोध में डालेगा, उन सबको वहां पे डरा के धमका के उनको वहां से भगा दिया। जो त्रिपुरा पश्चिम का चुनाव हुआ है उसमें 500 से ऊपर अधिक बूथों पर रिगिंग की गई है, तमाम गाँव में इलाकों में जो अल्पसंख्यक आबादी रही है उसको घेर करके उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, बूथों पर अपने वोट डाले गए। इसलिए ये मांग लेकर के हम यहाँ पर हैं कि वहाँ पर जो 500 से अधिक बूथ हैं जिस पर पार्टी ने कल ज्ञापन दिया है उस पर दोबारा चुनाव कराया जाए। दूसरी मांग हम ये करने के लिए आए हैं, अभी त्रिपुरा पूर्व के जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वहाँ पर जो भी दल बल की जरूरत है चुनाव आयोग को लगा करके वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने की जरूरत है, क्योंकि ये हमले RSS और BJP द्वारा गठित किए जा रहे हैं, इसलिए इसको रोकने की मांग को लेकर के हम यहाँ धरना दे रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं गुजरात की ओर, जहाँ पर 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के चलते दो बड़े मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सूखे का और उसके साथ साथ उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर, क्रॉप इंश्योरेंस जो किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
आज एक बड़ी खबर में इंडिया स्पेन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 40% से ज्यादा के इलाके में सूखा पड़ा हुआ है और वहां पर जो नर्मदा कनाल है जो 70 सालों से ज्यादा वहां पर है उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। न्यूज़ क्लिक ने भी काफ़ी विशेष रूप से इस मुद्दे को चर्चा किया है और उस पर कवरेज दी है। हमने आपको बताना चाहेंगे कि किसान जो हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़ हैं और उन्हें जो उनका क्रॉप इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलना चाहिए था सूखे की वजह से वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसमें चलते हुए पिछले दो हफ्तों से किसान जो हैं पूरे स्टेट में आंदोलन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आंदोलन का प्रभाव सौराष्ट्र, कच्छ और राजकोट के आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। तो जो चुनावी मुद्दे हैं वो यही असली मुद्दे हैं और इन्हीं के साथ साथ अब हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन की ओर और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू सुमेधा। टुडे वी टेक यू टू कोलंबिया वेयर द सोशल मींगा फॉर द प्रोटेक्शन of life, territory, democracy, justice and peace is in a state of permanent assembly after President Iván Duque refused to meet them. Now this Minga is a mobilization comprising indigenous communities, Afro-descendant communities and peasants. And the word Minga itself is derived from the indigenous Quechua language referring to collective activity that benefits the community. This Minga began mobilizing on March 12th with their primary demand that the president should meet them and listen to their concerns. On April 5th, after 27 days of protest, the government finally agreed. However, President Iván Duque, who came to the Caldona municipality, which is very close to their mobilization, finally refused to meet them, citing security concerns. The Regional Indigenous Council of Kakua, which is the representative of the Minga, condemned the president's decision, pointing out that the members of this mobilization were peasants and indigenous people, some of the most oppressed sections of society, who were fighting for their rights. And they were not terrorists, as the president had cited. Over the past 1 month, the members of the Minga have been mobilizing and blocking the Pan-American Highway, and they have suffered horrific atrocities. There have been a number of attacks on their camps, their property has been destroyed, and at least one young man and 8 indigenous guards who were defending the mobilization have been killed. A lot of this violence was initiated by state forces. However, the government has failed to respond to most of their concerns. It is in this context that the Minga is in a state of permanent assembly. Some of the other key demands of the protesters are as follows. One, they want a reconsideration of certain aspects of the National Development Plan, which are anti-people. Two, they want the compliance of the government with the peace agreements with the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, which is a guerrilla group. And third, they want a recognition of their rights to land. Ever since the agreement with FARC was signed in 2016, over 460 social leaders and activists in Colombia have been killed. And the Minga, one of the key points of the Minga, is to demand an end to this. इसी के साथ आज की डेली राउंडअप पर बस इतना ही। फॉलो कीजिए इन स्टोरीज को और अन्य खबरों को हमारी वेबसाइट www.newsclick.in पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फॉलो कीजिए हमें Facebook पर। देखने के लिए धन्यवाद।